वेलकम गाइड्स, मैं प्रदीप दवे आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? जब अन्य बातें स्थिर रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में कमी होगी, और इसके विपरीत वस्तु की कीमत में कमी होने पर वो वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। यानी कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था वस्तु की कीमत व उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। मांग में प्रतिलोम संबंध होता है, यानी आपस में विपरीत संबंध होगा। अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग घटेगी, कीमत कम हो रही है मांग बढ़ेगी। अब अन्य बातें स्थिर रहने पर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मांग के तत्व मुख्य तौर पर पांच है। कौन कौन से? इसमें देखो, वस्तु की क्या है, वस्तु प्राप्त करने की पर्याप्त इच्छा होनी, जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए उसके पास? पर्याप्त साधन। साधन का मतलब किससे लिया? मुद्रा से लिया हमने। फिर उसे त्यागने की प्रवृत्ति, यानी खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए। उसकी व्यक्ति की मनोदशा, फैशन और रुचि, ये पांचों तत्व अगर क्या रहेंगे, इसमें स्थिर रहेंगे, केवल इसमें क्या होगा, कीमत में परिवर्तन होगा। जब कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि या कमी होती है, उसी के अनुसार उसकी मांग में क्या होगी, कमी या वृद्धि होगी। अब देखो, मांग के नियम की उत्पत्ति है, मांग के नियम कैसे बना? सीमांत उपयोगिता और कीमत में संबंध, दोनों के बीच संबंध देखो। सीमांत उपयोगिता और कीमत में संबंध, जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी, तब उस वस्तु की कीमत कीमत में कमी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है? वस्तु की कीमत में कमी होने से क्या होगा? उपभोक्ता प्रोत्साहित होगा उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होगा? प्रेरित होगा कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की उपयोगिता उस उपभोक्ता के लिए बढ़ जाती है। सीमांत उपयोगिता का संबंध किस इससे है कि व्यक्ति एक वस्तु की उपयोगिता एक बिंदु तक कर लेता है। मान लो कि एक व्यक्ति है, उसने 10 यूनिट किसी वस्तु की उपभोग कर ली है, 10 यूनिट उपभोग कर ली, कंज्यूम कर ली है। अब क्या है, अब उसे अगर कम प्राइस पर वस्तु और मिलती है ना, तो क्या करेगा, एक वस्तु का उपभोग और करेगा। जो अतिरिक्त यूनिट होती है ना, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेगा ना, वो उसकी क्या लाती है, सीमांत उपयोगिता, सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या? अन्य बातें स्थिर रहने पर जब कोई उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है,
हानि कहने का मीनिंग क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता तो पूर्ति हो गई है, अगर उसे एक एक्स्ट्रा यूनिट मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी भी तो ठीक है, लेकिन क्या वस्तु की कीमत में कमी है, वस्तु की कीमत में क्या है कमी है, कमी होने से क्या करेगा वह एक अतिरिक्त यूनिट उपभोग करने का क्या करेगा प्रयास करेगा। वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण वो वस्तु के प्रति उपभोक्ता क्या होगा मोटिवेट होगा प्रेरित होगा, उस वस्तु क्या करेगा उपभोग अधिक करेगा। सीमांत उपयोगिता का नियम लेते हैं, सीमांत देखो अपने क्या पढ़ा है सीमांत उपयोगिता और कीमत में संबंध पढ़ा है, अब अपने सीमांत उपयोगिता का नियम लेते हैं। सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता नियम मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर मिलने वाली उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली उपयोगिता, अब देखो हम दो वस्तु आ कर रहे क्या कहते हैं मेजरमेंट करते हैं, जब होगी पहली शर्त देखो, इसके अंदर पहली शर्त क्या है मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से अधिक है। अब इसमें क्या होगा प्राइस से अधिक, जब यानी कीमत में कमी, इसका मीनिंग क्या है कीमत में क्या है कमी, कीमत में कमी और सीमांत उपयोगी तब क्या होगी अधिक होगी, सीमांत उपयोगिता अधिक होगी। अब दूसरा बिंदु लेते हैं सीमांत उपयोगिता कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि और यहां क्या होगा सीमांत उपयोगिता में क्या होगी कमी होगी, क्या होगी कमी होगी, यानी का संबंध सीधा सीमांत उपयोगिता कीमत के बीच में क्या होगा विपरीत संबंध होगा प्रतिलोम संबंध होगा। क्यों देखो जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स लेते हैं प्राइस इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी फॉर वाई और प्राइस वाई, यहां से मतलब क्या है एक्स और वाई का अर्थ मीनिंग क्या है यहां से वस्तु से है, किससे है वस्तु से है, द मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस, मार्जिन यूटिलिटी फॉर वाई आइटम्स अपॉन प्राइस फॉर वाई आइटम्स, इस प्रकार का संबंध दर्शाता है। इन दोनों के कारण क्या होगी मांग के नियम की उत्पत्ति होगी, ये मांग का नियम बना है ना कि कहते हैं ना कि डेफिनेशन क्या कहती है कीमत में वृद्धि मांग में कमी, कीमत में कमी मांग में वृद्धि, वो किस प्रकार से होगी जब वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो सीमांत उपयोगिता में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, जब कीमत में वृद्धि हो रही है सीमांत उपयोगिता में क्या हो रही है कमी हो रही है। अब देखो सीमांत उपयोगिता के कारण ही वस्तु को क्या होता है वो व्यक्ति उपभोग करने के लिए क्या होता है प्रेरित होता है, क्या होता है प्रेरित होता है। अब देखो सीमांत उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता का दैनिक जीवन से महत्व, अगर किसी वस्तु की आवश्यकता अधिक है किसी व्यक्ति को जरूरत अधिक है तो उस वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग करेगा। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक भूखा व्यक्ति है, क्या है भूखा व्यक्ति है, उसे हम जब खाना खाने बैठते हैं भोजन करने बैठते हैं चार रोटी दी हमने, क्या दी चार रोटियां दी है, चार रोटी खाने के बाद वो तड़प तो हो गया उसकी भूख मिट गई है, लेकिन हम उस समय एक रोटी उसे और अधिक देते हैं, एक रोटी और देंगे तो उसका क्या करेगा वो भूख आसानी से कर लेगा, तो इसकी क्या आवश्यकता है क्या इसकी एक रोटी और आवश्यकता, तो क्या होगी अतिरिक्त यूनिट की क्या है सीमांत उपयोगिता, अगर एक रोटी मिलेगी तो भी ठीक है नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, चार रोटी खाने के बाद इसकी क्या हो गई है उपयोगिता मिल गई उसकी भूख मिट गई है, लेकिन एक रोटी अगर एक्स्ट्रा मिलती है वो अतिरिक्त उपभोग होगा, क्या होगा अतिरिक्त उपभोग होगा, यानी कि चार रोटी खाने के बाद उसकी क्या हो गई है भूख खत्म हो गई है भूख मिट गई है व्यक्ति संतुष्ट हो गया है, लेकिन
अगर उसे एक एक्स्ट्रा यूनिट मिल भी जाएगी तो कोई समस्या जैसी बात नहीं है, वो भी एक अतिरिक्त इकाई एक उपभोग कर लेगा, उसे थोड़ी और अधिक संतुष्टि मिलेगी, यानी कि अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता और कीमत में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। जब सीमांत उपयोगिता अधिक होगी तो कीमत कम होगी। इस केस में उपभोगता किसी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोग करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सीमांत मांग का नियम लागू होने के कारण। मांग के नियम लागू होने के कारण, अब देखो पहला बिंदु लेते हैं अपन सीमांत उपयोगिता आश नियम। सीमांत उपयोगिता आश नियम डेफिनेशन लो, सीमांत उपयोगिता आश नियम। हम जस्ट अभी अपना आपको बताता, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ये ना, ये पढ़ा था आपने। अब देखो इसमें क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीधी सी बात है कि आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। उपभोग करने के बाद एक ऐसा बिंदु आएगा तब आप उस वस्तु का उपभोग करना बंद कर लोगे। एक बिंदु के बाद, वहीं उस बिंदु के बाद उस वस्तु की उपयोगिता कम होती चली जाती है। इसे क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, देखो अन्य बातें स्थिर रहने पर जब कोई उपभोक्ता किसी निश्चित बिंदु के बाद उस वस्तु की उपयोगिता में अन्य बातें स्थिर रहने पर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के बाद उस वस्तु की उपयोगिता में कमी आती है। अपनी सीधी सी लैंग्वेज में, कोई क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं है। अब देखो इसका डायग्राम, देखो डायमेंशन लॉ का। अब कोई क्रिटिकल अलग अलग लैंग्वेज दे रखी हर बुक के अंदर, अपने सीधी सी लैंग्वेज में लिए, यानी कि इस बिंदु से यहां तक ये क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट। आपने एक्स्ट्रा यूनिट ली, यहां आपको क्या मिल गई, सीमांत सम सीमांत उपयोगिता मिल गई। क्या मिल गई, सीमांत उपयोगिता मिली। यहां से यहां बिंदु, इस बिंदु के बाद आपको अगर इकाई का उपभोग करना करने को बोले तो यहां से क्या होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास ह्रास हो जाए, कमी हो जाएगी। यहां तो क्या हो रही है, आपकी वृद्धि है, यहां समांतर है और यहां क्या है, कमी है। क्या है, कमी। यानी देखो
अब क्या यहाँ से देखो, आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, जैसे जैसे उपयोगिता मिल रही है तो वैसे वैसे आपको जिस किसी वस्तु की आवश्यकता है ना, वैसे वैसे उपयोगिता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या होगा, एक अतिरिक्त इकाई होगा, सीमांत उपयोगिता मिलेगी, एक्स्ट्रा यूनिट। एक बिंदु के बाद उस वस्तु का उपभोग करना क्या करोगे, बंद। अगर उसका उपभोग करते हो तो उसकी वैल्यू आपके लिए जीरो होती जाएगी। जैसे कि भूखा व्यक्ति है, पहले भूखे व्यक्ति को आपने क्या ली, एक व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, भूखा है। अब देखो भूखा व्यक्ति है ना, अगर उस भूखा व्यक्ति खाने के लिए रोटी चाहिए, हमने चार रोटी दी क्रमबद्ध, एक दो तीन चार रोटी दी। जब भूखा व्यक्ति को पहली रोटी दी जाती है ना, तो इस समय यहाँ क्या होगी, इसकी उपयोगिता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। क्यों, क्योंकि उस समय उस खाने के लिए रोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, ब्रेड हो, रोटी हो, कोई कुछ भी हो, खाने के लिए चाहिए। जो प्रथम यूनिट होगी ना, पहली यूनिट, उस यूनिट पर उस व्यक्ति के लिए उपयोगिता क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद दूसरी है, उस पर उपयोगिता कम होगी, तीसरी में और कम होगी, चौथी में और कम होगी। अब क्या है, इसके बाद उसने एक एक रोटी और दे दी, पांचवी यूनिट दे दी। अब यहाँ के यहाँ क्या होगी, सीमांत उपयोगिता मिल गई। अब पांच के बाद छठी यूनिट की बात करेंगे तो उसके बाद क्या होगी, इसकी उपयोगिता कम होगी, क्या होगी, कम होगी। वो खा नहीं पाएगा या खा लेगा तो उसके बाद इसीलिए इसके शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, क्या होगा, हानि को तकलीफ देगा, प्रॉब्लम देगा। तो इस प्रकार क्या है, जैसे जैसे वस्तु को उपभोग कर रहा है वैसे वैसे उस उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। उस वृद्धि होने के बाद क्या होगा, एक अतिरिक्त यूनिट का उपभोग करेगा तो सीमांत होगी, तो सीमांत उपयोगिता मिलेगी। इस बिंदु के बाद वापस अगर उपभोग करता है तो उसके में क्या, वस्तु में क्या होगी, कम उपयोगिता में कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। अब इस यूनिट का कर दिया, इस कारण क्या करेगा, उस वस्तु के बाद किसी दूसरी वस्तु की डिमांड करेगा, किसी दूसरी वस्तु, किसी दूसरी वस्तु की मांग करेगा। एक दूसरा एग्जांपल और बताता हूं, अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का व्हीकल नहीं है, किसी भी प्रकार का व्हीकल नहीं है, सबसे पहले इस बोले क्या आया, साइकिल, क्या ले गया, साइकिल। अब साइकिल चलाते चलाते 6 महीने हो गए, अब फिर क्या लाएगा, स्कूटर लेके आएगा, क्या आएगा, स्कूटर लेके आएगा, फिर क्या लाएगा, कार लाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइकिल की उपयोगिता तब तक थी जब उसे कोई साइकिल चलाना नहीं आता था या आए नहीं थी, तो साइकिल चला दी, साइकिल चलाना सीख लिया, उसके बाद क्या करेगा, उसकी उस साइकिल की उपयोगिता कम हो गई, स्कूटर लाएगा, बाइक लाएगा। बाइक चलाते चलाते उसका मन भर जाएगा, उपयोगिता खत्म हो जाएगी, तो क्या लेके आएगा, कार लेके आएगा। मान लो यहाँ अल्टो ही डंडे लेके आया, क्या लेके आया, अल्टो ही डंडे लेके आया, कार चलाना सीख ली, कार चलाना सीखने के बाद क्या रहे, और कोई लग्जरी गाड़ी लेके आएगा। यानी कहने का मीनिंग क्या है, उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करते करते एक बिंदु के बाद उसकी उपयोगिता कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कारण क्या करेगा, दूसरी वस्तु की मांग करेगा, ये क्या कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब दूसरा सीमांत उपयोगिता आश नियम के कारण भी क्या होती है, मांग का नियम लागू होता, मांग में क्या होती, वृद्धि और कमी होती है। अब दूसरा बिंदु है अपना है प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु में क्या होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक के बदले दूसरी वस्तु का उपभोग करना, एक के बदले दूसरी वस्तु का उपभोग करना, जैसे एच वस्तु और वाय वस्तु दो हैं, यानी कीमत के कारण एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपभोग करना। किसके कारण, कीमत के कारण, कीमत के कारण किसी वस्तु का उपभोग किसी वस्तु के लिए करना। अब देखो एग्जाम्पल बताता हूं,
आपको एक यहाँ है गन्ना जूस, यहाँ है आम जूस, यहाँ है क्वांटिटी व्यक्तियों की मांगने वाली, और यहाँ है प्राइस। क्या है प्राइस? दस रुपये पर गिलास थी तब गन्ना जूस के मांगने वालों की संख्या कितनी थी? 20। और 10 रुपये आम की जूस की थी कितनी थी? 20। आप देखो अब प्राइस 10 रुपये घटकर यहाँ हो गई 8 हो गई, यहाँ हो गई 15 हो गई। क्या हो गई? 15 हो गई। तो यहाँ के 20 वाले लोग यानी यहाँ 30 मांगेंगे, यहाँ हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी? 10। यानी व्यक्ति को जूस तो पीना है, गर्मी का मौसम है, जूस तो पीना है, इसे जूस पीना है तो क्या करेगा? जिसकी कीमत क्या होगी? कम होगी। गन्ना का पियो चाहे आम का पियो, जूस है, दोनों फ्रूट्स हैं। अब देखो अब 10 रुपये थी माँ प्राइस, तब 20 व्यक्ति मांग कर रहे थे, और 10 रुपये आम के जूस की प्राइस थी तो 20 व्यक्ति लोग मांग कर रहे थे, लेकिन गन्ने के जूस की कीमत होगी 8 होगी, यानी कीमत गिर गई, और आम के जूस की प्राइस बढ़ गई 15 रुपये हो गए। और इससे क्या होगा? यहाँ से 10 लोग हैं ना गन्ना जूस पीना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? गन्ना जूस पीना शुरू करेंगे, और यहाँ क्या होगी? 10 डिमांड हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी? 30। यानी कहने का मतलब क्या? प्रतिस्थापन, एक के बदले दूसरी वस्तु का उपभोग करना, एक के बदले दूसरी वस्तु का उपभोग करना। इससे क्या है? एक वस्तु की मांग में क्या होगी? कमी होगी, और दूसरी वस्तु की क्या होगी? मांग में वृद्धि होगी। यानी कहने का मतलब क्या? यहाँ भी प्राइस फैक्टर काम करेगा। क्या करेगा? प्राइस फैक्टर, कीमत में वृद्धि और कमी, कीमत के कारण ही किसी वस्तु की मांग में वृद्धि और कमी होती है। अपना तीसरा बिंदु होगा आय का प्रभाव, इफेक्टेड ऑफ इनकम। आय का प्रभाव, सीधी सी बात है, एक स्वविवेकशील व्यक्ति है, सब अपने स्वविवेकशील ही है, कोई ऐसा कोई है नहीं स्वविवेकशील नहीं है, सब विवेकशील है। अब देखो विवेकशील का मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाला, भाई जेब में पैसे होंगे तो खर्च करेंगे, पैसे नहीं होते कहाँ से खर्च करेंगे, ऐसा कोई महानुभाव है जो बिना पैसे भी खर्च कर सकता है? अब देखो आय का प्रभाव, अगर व्यक्ति की आय में वृद्धि, क्या वृद्धि? तो वस्तु की मांग में वृद्धि। अगर यहां ले गो आय में कमी, वस्तु की मांग में कमी, यहां संबंध होता है सीधा प्रत्यक्ष संबंध, उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में सीधा व प्रत्यक्ष संबंध होता है। कई दफा कई कंपिटिशन एग्जाम में ये वस्तु पूछी गई है, उपभोक्ता क्या है और वस्तु की मांग में कैसे संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध। क्या होगा? प्रत्यक्ष संबंध। आय बड़ी है तो उसका उपभोग बढ़ेगा, आय में कमी हुई है तो उपभोग में कम होगा। अब जैसे अब लॉकडाउन की स्थिति चल रही है कोरोना महामारी की वजह से, अब देख लो सबकी आय इनकम क्या है, सबकी इनकम स्थिर रखी है, इनकम नहीं हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? सब अपने उपभोग में कमी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपभोग में कमी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं है। क्या नहीं है? इनकम नहीं है, आय नहीं है। आय नहीं होगी तो वस्तु की मांग में क्या करेगा? कमी करेगा। क्या करेगा? मांग में क्या करेगा? कमी करेगा। अगर ये कि ये स्थिति इसकी विपरीत हो जाए, व्यक्ति की आय में अचानक किसी प्रकार की वृद्धि हो जाए,
किसी न प्रकार से तो वह वस्तु की मांग में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, अब मांग के नियम के अपवाद, ये तो आपने देख लिया इन इन वजह से वस्तु की मांग बढ़ती और कमी होती है, लेकिन किन वस्तुओं पर इसका मांग प्रभाव नहीं पड़ता? गिफिन वस्तु, जिसे हम बोलते हैं घटिया वस्तु। अगर फुटपाथ पे वस्तु मिल रही है तो वो वस्तु क्या कहलाई, घटिया। उस वस्तु को, उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, कम होगा, उसकी मांग कम होगी। अब वो की वो वस्तु अच्छी तरह से पैकेजिंग करके किसी मॉल या शोरूम में लगा दो तो इससे क्या होगी, इसकी कीमत में वृद्धि हो, क्या होगी, कीमत में वृद्धि होगी। कीमत में वृद्धि होने के कारण उस वस्तु की क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी। यहां नियम उल्टा लागू होगा, पहले हमने क्या पढ़ा था, कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है, कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है, यहां उल्टा नियम है। जब वे वस्तुएं जिनकी कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। एग्जाम्पल तो आप लेते हैं ज्वार, क्या लेते हैं, ज्वार और बाजरा और भाई सीरी से ज्वार और बाजरा गरीबों का भोजन है, अमीरों का तो है ही नहीं है। अमीर लोग तो खाद्यान्न के रूप में गेहूं और चावल का उपभोग करते हैं, गेहूं और चावल का, और अचानक बाजरा और ज्वार की कीमत में वृद्धि हो जाए तो अमीर लोग इनका उपभोग करने के लिए क्या करेंगे, अपनी शानो शौकत समझेंगे। यानी कि व्यक्ति के आय अधिक होती है ना, व्यक्ति महंगी से महंगी वस्तु का उपभोग करेगा, क्या करेगा, महंगी से महंगी वस्तु का उपभोग करेगा, कम कीमत वाली वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फुटपाथ, सड़क के फुटपाथ कोई वस्तु की बिक्री हो रही है, ठीक है, अच्छा सा एक टी शर्ट है जिसमें MS धोनी का ऑटोग्राफ वाला है, नरेंद्र अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ वाला है, फुटपाथ पे सेल हो रहा है, उसकी प्राइस होगी 50 रुपये 60 रुपये, कोई नहीं खरीदेगा इसे, इसे कोई खरीदने वाला नहीं होगा। अगर वही टी शर्ट अगर कपड़े के शोरूम में अगर लगा दी जाए, अच्छी पैकिंग कर दी जाए, वही टी शर्ट 200 रुपये में बिकेगी, क्यों, कीमत में वृद्धि हुई है, कीमत ज्यादा है वसूली जा रही है, इस कारण लोग उसे खरीदने में अपनी शानो शौकत समझते हैं, क्या करते हैं, शानो शौकत समझते हैं, कहने अपने को कहने को मिलेगा मैंने उस शोरूम से ये टी शर्ट खरीदा, ये उस शोरूम से टी शर्ट खरीदा, तो इससे क्या है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। कीमत वृद्धि किसी के कारण, मॉल के कारण हुई है, मॉल में जाके वस्तु खरीदने में व्यक्ति क्या क्या समझता, अपनी प्रतिष्ठा समझता है, क्या समझता है, प्रतिष्ठा समझता है, इस कारण वस्तु की कीमत में क्या वृद्धि हुई है, और इस कारण वस्तु क्या करे, खरीद ले। वो की वो वस्तु फुटपाथ पे कोई खरीदने वाला नहीं है, वो की वो वस्तु फुटपाथ पे पड़ी है तो कोई खरीदने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि फुटपाथ पर खड़े होकर उस वस्तु को खरीदने में अपनी प्रतिष्ठा नहीं समझते। अब वही वस्तु शोरूम में गई है, मॉल में गई है, मॉल में जाने इसकी प्राइस बढ़ी है, यहां तक ठीक है, फिर वह व्यक्ति मॉल में जाएगा, मॉल में जाकर उस वस्तु को अधिक प्राइस देकर वस्तु खरीद ले आएगा। प्राइस प्लस प्रतिष्ठा, मूल्य प्लस प्रतिष्ठा, एक तो मूल्य में वृद्धि, दूसरी उस मॉल में जाकर वस्तु खरीदने के लिए अपनी प्रतिष्ठा समझता है, इस कारण क्या है, उस वस्तु की मांग में क्या होगी, कमी होगी। दूसरे है मूल्यवान वस्तु, क्या, मूल्यवान वस्तु,
अब मूल्य वस्तु के क्या लेते हैं? सोना, चांदी और हीरा। अब देखो अमीर व्यक्ति होते ना, जिसके जिसकी अमीर है नहीं, जिसके आय अधिक है, इसका मीनिंग क्या, यहाँ आय से मतलब है, कोई अमीरी से मतलब नहीं है कि अमीर है वो करोड़पति है अरबपति, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यह व्यक्ति की आय से। अगर उसकी आय अधिक है व्यक्ति की, क्या आय अधिक है, तो सोना चांदी हीरा इसमें सबसे अधिक कीमत होगी ना, वो आभूषण क्या करेगा, पहनेगा, खरीदेगा, वो आभूषण खरीदा और पहनेगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर वो आभूषण कितना लगा हुआ है, कितना पहना हुआ है, उसकी शान और शौकत बढ़ती है, उससे क्या बढ़ती है, उसकी शान और शौकत बढ़ती है। इस कारण इसकी मांग में क्या होगी, वृद्धि। अगर सोने के भाव गिर जाए चांदी से, चांदी से कम हो जाए, हुआ तो नहीं है, एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, चांदी की रेट बढ़ जाए और सोने की रेट गिर जाए, यानी चांदी का मूल्य अधिक और सोने का मूल्य कम, तो उस समय क्या होगा, चांदी का माल मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी और सोने की मांग कम हो जाएगी। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, सोने की प्राइस अधिक है, तो इस कारण लोग चांदी से ज़्यादा क्या करते हैं, सोना ज़्यादा खरीदते हैं, जिसकी आय अधिक है। क्यों? सोना खरीदने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। क्या समझते हैं? प्रतिष्ठा समझते हैं। थैंक यू।